आज हम रसम पाउडर बनाएंगे। रसम पाउडर के लिए यहाँ पे मैंने कुछ लाल मिर्च रखे, एक बड़ा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी, एक चम्मच ब्लैक पेपर। यहाँ मैंने चना लिया है, आप चना दाल भी ले सकते हैं। दो तेजपत्ता, एक दालचीनी, आधा चम्मच लौंग, यहाँ पे आधा चम्मच खसखस और हींग एक चम्मच, हल्दी एक चम्मच। साथ हम बनाते हैं साथ में अनारदाना। सबसे पहले कढ़ाई में लाल मिर्च डाल देंगे। अब हमारा ये ड्राई रोस्ट हो गया है हल्का सा, अब इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए, उसे हम उतार लेंगे और उसे ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसका हम पाउडर बनाएंगे। अब इसका हम पाउडर बनाएंगे। पाउडर हो जाने के बाद ये हींग और हल्दी डालेंगे। तो हम पाउडर बना लेते हैं। देखिए हमने इसका पाउडर बना लिया है। अब इसमें हम हल्दी और हींग डालेंगे। हल्दी और हींग डाल लेते हैं। इसको फिर से हम एक बार घुमा लेंगे। हमारी रसम पाउडर तैयार हो गई है। अब इसे आप एयर टाइट जार में बंद करके रख दीजिए और जब भी आप टमाटर रसम या दाल का कोई रसम बनाए तो ये पाउडर आप डाल सकते हैं। हमारी रसम तैयार हो गई है। रसम नहीं, रसम पाउडर। वीडियो।